हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ हितल गोस्वामी फ्रॉम माँ आशापुरा विद्या संकुल। टुडे वी विल लर्न स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट संस्कृत एंड आवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर 11 यस्य जननम तस्य मरणम। इस चैप्टर की स्टार्टिंग हमने कर ही दी है। यह एक स्टोरी है जिसमें क्या है कि कथाओं के उपदेश के द्वारा सभी को अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखने को मिले, उसकी बात की गई है। किसी भी स्टोरी में एक ऐसा बोध मिलता है कि ज्यादातर लोभ है वह पाप का मूल बन जाता है। इसी दौरान इस चैप्टर की मैंने आप स्टार्टिंग कर दी थी, आधी स्टोरी हमने कर ली है। आपको रिवाइंड कराऊं तो एक बहुत ही लोभी और धनवान भीतदास नाम का एक वणिक है वह रहता था। वहाँ पे कूटनाथ नाम का एक उसका वैश्य पड़ोसी भी उसके सामने रहता था। वो दोनों ही क्या थे, नेबर थे। अब एक बार ऐसा होता है, कूटनाथ ही वह सोचता है, क्या सोचता है कि यह भीतदास से वह धनवान तो है, उसके पास बहुत सारा धन है, पर फिर भी वह धन होने के कारण वो लोभी है। कैसा है, बहुत ही उसमें लोभी होने के कारण किसी का भी वो अच्छा सोचता नहीं है। इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए, कोई ऐसा उपाय सोच के मुझे क्या करना चाहिए, उसको एक सबक सिखाना चाहिए। अब उसे सबक सिखाने के लिए वो सोचता है, उठना थे वह एक बार वीरदास के घर पे जाता है। किसके घर जाता है, वीरदास के घर पे जाके वो क्या करता है, वीरदास को वो बोलता है, हे सेठ जी, मेरे घर पे बहुत सारे मेरे कुटुंबी जन हैं, मेरे मेहमान हैं, वह आने वाले हैं। इसके कारण दूसरे ही दिन वह अतिथि बनके मेरे घर पे आएंगे, तो उसको भोजन कराने के लिए मेरे पास से वह बड़े बड़े बर्तन हैं नहीं, अगर आप मुझे अपने बर्तन दे दे तो मैं आपको दूसरे दिन लौटा दूंगा। ये था पहले पैराग्राफ का ट्रांसलेशन। सेकंड पैराग्राफ क्या था कि पड़ोसी का धर्म समझ के, नेबरहुड का धर्म समझ के वीरदास वो क्या करता है, कूटनाथ को बर्तन दे देता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ था कि कूटनाथ है वह बर्तन का उपयोग होने के बाद क्या करता है, कूटनाथ के बर्तन को वापस देके वह वीरदास के घर पे जाता है। कूटनाथ है वह बर्तन का यूज करके कहाँ जाता है, वीरदास के घर पे जाता है। उसी बर्तन में कूटनाथ ने उसी बर्तन के अंदर थोड़े थोड़े नए नए बर्तन हैं वह ऐड कर दिए, छोटे छोटे नए नए बर्तन उसने क्या कर दिए, उसका ऐड उसके अंदर कर दिए। छोटे ऐसे बर्तन को देख के जो वीरदास है वह अचंभित हो जाता है और वह कूटनाथ को पूछता है कि हे मित्र, यह तो मैंने तो आपको जो बर्तन दिए थे वो ये बर्तन तो मेरे नहीं है। तो कूटनाथ कहता है, डियर फ्रेंड, ये जो बर्तन है वह मेरे घर पे कल उसकी प्रसूति हुई है। जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो क्यों, किस तरह से हम कहते हैं उसकी प्रसूति, उसी तरह ये बर्तन है, बड़े बड़े बर्तन के ये छोटे छोटे इसके बच्चे हैं। नेक्स्ट देखिए, हम नेक्स्ट पेज में 49 पेज नंबर, अप्रत्यय रूपेण नूतनानि पात्राणि संप्रदाय वीरदासः प्रसन्न जातः। अब यहाँ पे बच्चे के रूप में बर्तन को देख के वीरदास वो क्या करता है, बहुत ही खुश हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। व्यतीतेषु कतिपयेषु दिवसेषु कूटनाथः पुनरपि वीरदासं प्रात्रात् प्रार्थयत् प्रदतेभ्यः पात्रेभ्यः अपि अधिकानां पात्राणां लाभो भविष्यन्ति इति दूरमत्या प्रेरितो वीरदासः तस्मै सर्वाणि इष्टानि पात्राणि दत्तवान। अब इस पैराग्राफ में क्या होता है कि नए नए बच्चे को देख के, बच्चे छोटे छोटे बर्तन को देख के वीरदास से वह बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिन जाते हैं, फिर क्या होता है, बहुत कुछ दिन जाने के बाद उठना थे वह वापस वीरदास के यहाँ बर्तन की मांग नहीं करता है। उसे कहता है, मुझे वापस से बर्तन चाहिए, मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। पहले उसने बर्तन दिए थे तो उसके कारण उसे थोड़े से ज्यादा छोटे छोटे बर्तन मिले थे, ऐसे लाभ से उसकी जो मति है, उसकी जो बुद्धि है वो
मारी जाती है, उसे द्रौपदी सुझती है। इसीलिए क्या होता है, जो भीतदा से वह उसे उनके सारे बर्तन में वह उसने उसको दे दिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। व्यात्यपि एक मासे यदा कूटनाथः पात्राणि न प्रत्यर्थिवान् तदा चिन्तामापनः भीतदासः कूटनाथं गृहं गत्वा स्वकीयन्ता पात्राणि अयाचत। कूटनाथः सशोकम् अकथयत् भवतः सर्वाणि पात्राणि वृतानि। अब यहाँ पे क्या होता है, टर्न आ जाता है किस बात में, जब वीतदास को लोप आता है कि मुझे पहले मैंने उसको बर्तन दिए थे तो उसके कारण उसने मुझे थोड़े नए नए बर्तन दिए थे, तो अभी इस बार यह बर्तन लेके जाएगा तो क्या होगा, मुझे वापस से कुछ नए ऐसे बर्तन मिलेंगे। एक महीना बीत जाता है तभी भी जो कूटनाथ है वह बर्तन देने के लिए वापस आता नहीं है। तभी क्या होता है, चिंतित हो जाता है कौन, वीतदास से वह चिंतित होता है और कूटनाथ के घर पे जाके अपने बर्तन है वह मांगता है। कूटनाथ है वह बहुत ही दुख के साथ, बहुत ही शोक के साथ कहता है, तो आपके दिए गए सारे जो बर्तन है वो मर गए। गुस्से हुए वीतदास को गुस्सा, वीतदास से वह क्या हो गया, बहुत ही गुस्सा हो गया। क्यों हो गया, उसने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, बर्तन क्या ऐसे मर जाते हैं, तो आपके जो सभी बर्तन है वह मर गए। तो गुस्से हुए वीतदास से वह बोलता है, ऐसा किस तरह से बन सकता है, हे ठगारा तू है वो कैसा है, बहुत ही दुतारा है, कैसे सभी को तू ठगता है, तूने झूठ बोल के निर्जीव बर्तन का मरण किस तरह से तू कर सकता है, वो क्या बोलते बर्तन तो निर्जीव होते हैं तो उसका मृत्यु कैसे हो सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि जो आंसर क्या मिलता है। वीतदास कोपाविष्टः सन अकथयत एवं कथम भवेत वो वच्यकः तथ्य मिथ्या वदसि निर्जीवानां पात्राणां मरणं कथं संभवति। अब है वह वीतदास से बहुत गुस्से के साथ किसे बोलता है, एवं कथम भवेत ऐसा कैसे बन सकता है, वो वच्यकः त्वं मिथ्या वदसि हे मित्र तुम झूठ बोल रहे हो। कूटनाथः धैर्यमुत्पलकुलं शान्तवचसा अवदत् महोदय यदि पात्राणां जन्म भवति तर्हि तेषां मरणमपि भवति पूर्वजातानि पात्राणि भवतः गृहे विलसन्ति यानि पात्राणि भववर्धि दत्तानि तानि मम गृहे मृतानि तत्र अहं किं कर्तुं समर्थः। अब यहाँ पे क्या होता है, कूटनाथ है वह बहुत ही धीरज के साथ और शांत वचन से जो कूटनाथ वीतदास से उसे बोलता है कि हे महाशय जिस तरह से बर्तनों का जन्म हो सकता है तो उसका मरण क्यों नहीं हो सकता, पहले जन्म हुए बर्तन को आपके घर में सौंप रहे हैं, मैंने आपको पहले जो बर्तन दिए उसका तो जन्म हुआ था तो वह तो आपके घर में सौंप रहे हैं, तो इस बर्तन को यूं बर्तन है क्यों नहीं मर सकते, इसके बाबत में आपको क्या मैं कहूँ। फिर पश्य फिर जो एक श्लोक आता है कौन सा है, जन्म भवति पात्राणां मरणे संशय कथम जगति यत्स्वप्नं नश्यति सर्वथा ध्रुवम। जिस तरह से मानुष बर्तन है उसका जन्म होता है तो मरण का उसमें कोई संशय ही नहीं है, उसका मरण भी हो सकता है, जगत में जो भी उत्पन्न हुआ है उसका कोई ना कोई टाइम पे उसका नाश तो होता ही है। ये चैप्टर है आज क्लोज होता है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझा दूँ ये स्टोरी कि एक वीतदास और कूटनाथ दोनों नेबर थे। क्या होता है कि जो कूटनाथ थे वह बहुत ही धनवान था, उसके कारण उसमें बहुत ही लोभ था, लोभी होने के कारण उसका जो कूटनाथ नाम का उसका फ्रेंड वो क्या करता है उसके घर बर्तन मांगने जाता है, सोचता है इसे मैं सबक सिखाऊं। फिर बर्तन मांग के उसके वापस देने जाता है तब छोटे छोटे उसके साथ बर्तन देता है, तो जो कूटनाथ है वो बोलता है ये बर्तन कहाँ से है, तो वो बोलता है मेरे घर उसका बर्थ हुआ है, उसका मेरे घर में जन्म हुआ है, ये छोटे छोटे उस बर्तन के बच्चे हैं। फिर क्या होता है थोड़े दिन के बाद वापस कूटनाथ है वो बर्तन मांगने आता है, क्यों आता है, उसे धन
तो जो पूतना थे उसे बहुत ही लालसा होती है, बहुत ही लोभ आता है, वो बोलता है अगर मैं इसे बर्तन दूंगा तो मुझे और ज्यादा बर्तन मिलेंगे। फिर क्या होता है कि यह सोच के पूतनाथ है वह मितदास को बर्तन दे देता है। बहुत दिन हो गए, एक मंथ निकल गया पर बर्तन उसके वापस आए नहीं। तभी जो पूतनाथ है वह क्या करता है, उसको बोलता है कि वो उसके घर मांगने जाता है, मेरे बर्तन कहाँ है। मितदास बोलता है, पूतनाथ उसे बोलता है आपके बर्तन है वह मेरे घर पे मर गए। तो पूतनाथ है उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है मितदास को, क्यों ऐसा कैसे हो सकता है, बर्तन तो निर्जीव होते हैं वह मर पाते नहीं है। तभी पूतनाथ उसको बोलता है जिस तरह से मैंने आपसे पहले बर्तन लिए थे तो उसके छोटे छोटे बच्चे थे वह आपके घर में सोब रहे हैं, तो ये क्यों नहीं मर सकते। यहाँ पे देखें तो लालच बुरी बला है, मैं इसका देखें तो लालच बुरी बला है। अगर हमें कोई भी कार्य करना है तो लालच के बिना करना चाहिए। इसकी आप घर पे रिवाइंड करें, इसकी जो एक्सरसाइज है उसे बुक में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 8 और 9, इस सारे क्वेश्चन